रामा मंडी के नजदीक रिश्तेदार से मिलकर वापस घर आ रही एक महिला से मोटरसाइकिल सवार दो युवक सोने की चेन झपटकर फरार हो गए। घटना संबंधी जानकारी देते हुए पीड़ित महिला निधि निवासी सूर्य एनक्लेव ने बताया कि वे अपने रिश्तेदार से मिलकर अपने बच्चे के साथ एक्टिवा पर सवार होकर घर आ रही थी कि रामा मंडी के नजदीक पीछे से मोटरसाइकिल पर सवार युवकों ने उसके गले से चेन झपट ली और उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से वह और उसका बच्चा घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही थाना सूर्य एनक्लेव की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेकर जांच शुरू कर दी है। निधि है, मैं सूर्य एनक्लेव 95 से रह रही हूँ जलंधर। कल मेरे नाल चेन स्नैचिंग हुई है, मैं स्कूटर पर आ रही थी अपने बेटे के नाल घर, जिन नाल उन्होंने लड़के दुआए बैक तो उन्होंने मेरी चेन खींची और मैंने धक्का लगाया। मेरे तो मेरे बेटे नूं बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। कल फोन भी किया है 100 नंबर से, थोड़ा जा डिले किया क्योंकि डॉक्टर तो गए 1 घंटे बाद। उन्होंने नंबर दे दिता जी तुसी लेट हो, जिहड़ा नंबर दिता मुंशी का उन्होंने फोन नहीं चुकिया। फिर 181 की कंप्लेंट की है, 4 बजे की है, पर पुलिस जी आई है 8:30 तो बाद आई है, कोई खास कार्रवाई नहीं की उन्होंने। स्नैचिंग किस केस टाइम हुई था डिनर? स्नैचिंग 1:15 हुई है, तो पुलिस रात 8 बजे आई है। 8 बजे तो भी बाद ही आई, 9:30 आई है, 9:30 के बीच बीच। तो क्या कि उन्होंने जो उन्होंने दसिया कुछ नहीं, उन्होंने कंप्लेंट लिखी है कितना कितना हुई है वारदात, तो उस तो बाद वो लेके अपना चले गए थे। पूछा किस थाने तो आए तो उन्होंने कहा नाल दी चौकी तो आए। इहदे कोलों स्नैचिंग हुई है जी, जदों भी साडे कोल उन्हां दी कंप्लेंट आई आ ते असीं मौका ते गए आ, उन्हां दे बयान लिखे आ ते जिहड़ी लोड़ींदी कारवाई आ उह अमल च लैंदे आ, ते शक्की व्यक्तियों नूं गिरफ्तार करके इहदी पुछगिछ करके तां जिहड़ा चैन बरामद कीती जाऊ।